वो राजा के सिर पे भार रखा जाता सारा, और अंत में बच्चे कहीं आप कहीं, और अंत में सरयू नदी के अंदर जल समाधि लेकर श्रीरांत किया। तो परमात्मा कहते हैं एक ना करता दो ना करता, ये नौ ठहराए भाई, और दसवा नी कलंक नाम से आओगा कलयुग के अंत में, और वो भी सभी उसमें इतने नकमी आत्मा हो जाएंगी। जैसे परशुराम जी ने जब अक्षत्रियों को मारा था वो इतने नकम्मे हो गए थे, ना कोई लोक लाज रह रही थी, ना कोई न्याय करता था, अपनी अवस के शिकार बनाते थे, बुरा हाल कर रखा था। तो उनका फिर यही अंत होता है यहाँ अंत लास्ट में, कोई ऐसी शक्ति जो काल भेजा है इन्हें गंडास्या काटे, फिर ये तब ठीक होते हैं, फिर ये ख़त्म हो जाते हैं, नई जनरेशन आती है उसको अपने हिसाब से सेट करते। ऐसे ही कलयुग के अंत में कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे। नीकलंक नाम का एक दसवां अवतार, विष्णु अवतार कहते हैं उसको, वो आएगा और सिंभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर उसका जन्म होगा। उसका शरीर बहुत लंबा चौड़ा और तगड़ा होगा, और वो तलवार से बहुत लंबी खड़ग होगी उसकी, और उस समय प्राणी का कद आम प्राणी का कद बहुत छोटा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ दो फुट का, ढाई फुट का तो घना बड़ा पहलवान दिखेगा उस समय, इसी स्थिति आ जाएगी। तो उस समय इनको काटेगा, सबको काट काट के ख़त्म करेगा, मारेगा, हत्या करेगा, और फिर वो भी ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त होगा, दुर्गति को प्राप्त होकर मरेगा। तो उसके कर्म बिगड़वा कर दशे औरों के बिगड़वाए, तो काल ऐसे इनको अपने जाल में फंसा कर रखता। तो परमात्मा कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कह निरंजन, मैं ही करता भाई, एक ना करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, और दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। के सत्य माने अविनाशी, अविनाशी परमात्मा कबीर है, और बाकी कोई भगवान अविनाशी नहीं है, वो परम अक्षर ब्रह्म। उस परमेश्वर ने आकर के कबीर देव जी ने, हम बोली आत्माओं को जो काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान के आधार से भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं कर रहे थे, वो काल के जाल में फंसाए रखने का ही एक षड्यंत्र है इस काल भगवान का। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश परमेश्वर ने आकर किया कबीर जी ने। अब परमात्मा हमें क्या ज्ञान देते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमेश्वर कबीर देव जी ने जो रिहर्सल की, एक रोल किया, एक जुलाहे की भूमिका की, और साथ में वो तत्वदर्शी संत के रूप में भी अपना ज्ञान प्रचार करते थे, अपना दैनिक कार्य भी एक मनुष्यवत करते थे, मनुष्य की तरह। प्रत्येक युग में परमात्मा ऐसा एक लीला में जीवन जीकर दिखाकर हमें चाहते हैं, सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं। तो उन्होंने हमें यही ज्ञान दिया था कि आप जी प्रथम तो साधना गलत कर रहे हो, आप जी ने इस काल को परमात्मा मान रखा जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो तुम्हें यहाँ फंसाए हुए है, रोके हुए हैं, और इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के माध्यम से हम सब प्राणियों को बाई फोर्स यहाँ पर फंसा रखा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर
तीन से लेकर पांच तक ये गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यु काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है, किस ब्रह्मांड का प्रभु सर्वपुरुष बोल रहा है। वो कहता है कि दुर्गा प्रकृति तो मेरी पत्नी है और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूँ जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मैं सबका पिता हूँ और दुर्गा प्रकृति सबकी माँ है, माता है, और इस प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जीव आत्मा को यहाँ कर्मों के आधार से फंसा कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं। परमेश्वर ने आकर बताया कि नहीं, ये भी अपना पल्ला झाड़ दिया काल ने और फिर माँ विष्णु महेश के सिर पर बांडा फोड़ दिया, इनके सिर पर ये बाहर रख दिया कि यही फंसा रहे हैं तीनों गुण। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और ये काल, इसको धर्मराय भी बोलते हैं, और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया, वाणी हमारी लहिए। तो पुणात्मा इसने तीनों गुणों के माध्यम से रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिवजी के माध्यम से आप जी को, हम सभी को यहां फंसा रखा है। रजगुण ब्रह्मा को एक गुण युक्त पैदा कर दिया, उसके गुण में, उसके अंदर से निकल रही जो शक्ति है, पावर है, उसकी इतनी जबरदस्त एक्शन हमारे ऊपर हो रहा है कि प्रत्येक प्राणी संतानों उत्पत्ति करता है, इस जीव के बस की बात नहीं, इसके अंदर इतना प्रेशर भर दिया, अपने आप जैसे नशा हो जाता, किसी ने भांग पी रखी हो या शराब पी रखी हो तो उसके बस की बात नहीं, वो कैसे लड़खड़ा कर पैर रखता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, और ना जाने के कुकर्म कर दे। ऐसे ही जो प्राणी इस काल के प्रभाव में आकर के 21 ब्रह्मांड के प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, और भगवान विष्णु जी के सतोगुण की शक्ति से हम एक दूसरे में यहाँ मोह ममता के कारण जकड़े रहते हैं, जीव के बस का नहीं। पुत्र में मोह, पुत्री में मोह, पति पत्नी में मोह, पत्नी में मोह, पति में मोह, माता पिता के अंदर संपत्ति में मोह, या किसी अन्य प्राणी से लगाओ, तो ये जीव के बस का नहीं। ये सतगुण विष्णु जी की उस गुण के दबाव में, प्रभाव में हम ऐसा विवश है, करने में विवश है, और ऐसे शंकर जी हमारा संहार करता है, जैसे उसके गुण से हम एकदम बीपीआई हो जाता है, क्रोधित हो जाते हैं, उस गुण से प्रेरित है, और ना जाने कितना जुल्म हो जाता है, राजा लोग कितने युद्ध कर बैठते हैं, लाखों लोगों को मरवा डालते हैं। तो ऐसे ही रजगुण ब्रह्मा से हम संतानों उत्पत्ति, और यहाँ संसारिक सुविधाओं सुखों की चाह इस रजोगुण के प्रभाव से हम चाहते हैं, कार हो, कोठी हो, बढ़िया व्यवस्था हो, गणाय धन हो, तो ये हमारे अंदर हम जीव के बस का नहीं। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी आकर के हमें इस काल के जाल से परिचित कराते हैं, और फिर हम जो बुद्धिमान होते हैं उनके लिए फिर एक सुअवसर देते हैं चौथे युग में आके। चौथे युग की ये बिजली पीढ़ी अब मोक्ष द्वार खुला हुआ है। अब जो सच्चे ढंग से मर्यादा में रहकर इस दास के द्वारा दिए हुए इस तीनों नाम के मंत्र और प्रथम मंत्र का जो आपको जाप दिया जाता है, विधिवत क्रिया करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो वो अब पार हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएंगे, और हम वहाँ चले जाएंगे सतलोक में। सतलोक वो स्थान है जहाँ जो कभी विनाश नहीं होता, और वहाँ गए प्राणी को जरा और मरण नहीं होता,
जरा मीन बुढ़ापा वृद्धावस्था सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी पे, और फिर मरण मौत सबसे बुंडी। कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता, कोई भी प्राणी, सबको मालूम है। और फिर भी मृत्यु डेफिनेट है, मृत्यु तो होगी ही होगी। हम क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आत्मा को आभास है कि ये मरती नहीं थी, इसका जो वहाँ शरीर था वो नष्ट नहीं होता था। सतलोक के अंदर मृत्यु नहीं थी, मृत्यु नाम की चीज नहीं थी, ना कोई बुढ़ापा था। तो ये यहाँ हो ही नहीं सकता, इस ना तो स्वर्ग में, ना महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, परब्रह्म के लोक में ये जरा और मरण समाप्त नहीं हो सकता। और जब तक जरा और मरण समाप्त नहीं होगा, हमारे हम सुखी नहीं हो सकते। तो सतलोक सुख सागर है, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। वहाँ ऐसी ही सृष्टि है, ऐसा ही मानव है, मनुष्य जैसा हमारा शरीर है। अभी तक जितने भी संत हैं, पंथ हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, अज्ञानतावश उनको परमात्मा का परिचय हुआ नहीं, उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ नहीं, तो इसलिए उन्होंने अज्ञान आधार से, सुनी सुनाई दंत कथाओं से, लोक वेद के आधार से परमात्मा को निराकार बताया है। और सतलोक में सतपुरुष को भी निराकार बताया है, केवल प्रकाश ही प्रकाश बताया है। ये बिल्कुल गलत है। और ये सचखंड का जिन्होंने ठेका ले रखा, सचखंड वाला, ये राधा स्वामी पंथ, दंदर सतगुरु पंथ, बाल योग्य शरद, ये क्या नाम है, जय गुरुदेव का पंथ, और ये कृपाल मिशन आदि ठाकुर जी, ये सब राधा स्वामी पंथ का ही, एक ही कुएं का जल है, राधा स्वामी पंथ का ही ये उसी ज्ञान को आगे प्रचार कर रहे हैं। और इनको कैखे का पता नहीं सचखंड और सतलोक के बारे में। ये कहते हैं सतखंड के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा निराकार है, और आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। पुण्यात्माओं, अगर ऐसी व्यवस्था है, वहाँ भगवान है नहीं, निराकार है, तो हम के टिंडे लेंगे वहाँ जाके? हम क्या करेंगे? हम भगवान के लिए तड़फ रहे हैं, परमात्मा की चाह में हम भटक रहे हैं, उसके दर्शन करें, उसको देखें। तो ये जो सिद्धांत इन्होंने बनाया, ये अनुभवहीन व्यक्तियों का है, जिनको कति सपने में भी भगवान के दर्शन कदे हुए नहीं। परमात्मा ने बताया है कि वहाँ पर बहुत सुंदर बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, बहुत सुंदर मेवा है, बहुत अच्छे स्वादिष्ट मेवा है, वहाँ के स्वादिष्ट फल हैं, और सदाबहार हैं, उनमें कभी पतझड़ नहीं आती, वहाँ कोई जरा मरण नहीं होता, और वहाँ सदा युवा रहते हैं। और ऐसे ही आपकी संतान होगी, वो कभी नहीं मरेगी। आपको अपने बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, और बच्चों को अपने माता पिता भाई बहन कितने अच्छे लगते हैं, कितना प्यार है आपस में। तो पुण्यात्माओं, ये प्यार है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे करके ना जाने किस का नंबर आ जावे, कब आ जावे, और टक्कर मार मार कर शेष परिवार रो रो का रोदन मत